आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं. दिस विल ब्रिंग मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इट विल ऐड टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री, रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड द मनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउनट्रोडन एंड द पुअर. अभी तो शुरुआत है, उनके लिए हम लोग जो भी प्रश्न समस्या उसको मदद करेंगे, सॉल्व करेंगे. थोड़ा एक महीने का टाइम देना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जीएसटी देश के लिए है, गरीबों के लिए है, हिंदुस्तान को आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाला है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज जीएसटी के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हुआ है. शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां, भिन्न भिन्न राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार के साथ एक साथ एक मंच पर आएं और सामूहिक निर्णय, यूनानिमस डिसीजन जीएसटी के संदर्भ में ले. आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि देश का चेहरा मोहरा बदलने की क्षमता यदि किसी एक चीज में है तो ये जीएसटी में है. तो भ्रष्टाचार तो पूरी मात्रा में दूर होगा. यदि आपकी व्यवस्था पूरी सरल है, डिस्क्रिप्शन चली गई, आपके ऑनलाइन असेसमेंट हो रही है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल हो गए, तो भ्रष्टाचार की परिस्थिति कैसे पैदा होगी? देखिए, कांग्रेस ने तो सिद्ध कर दिया कि वो टैक्स माफियाओं के साथ है और इस देश के गरीबों का जीवन कैसे उठना चाहिए इसके लिए चिंतित नहीं है वो. और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको इस आज जो उसने जो कायराना हरकत करी है उन्होंने, वो उसका परिणाम उनको मिलेगा. ये घटना भी कांग्रेस के लिए बहुत दुखद होगी. ये कसूरदार से भारत अब 125 करोड़ की आबादी का एक ही बाजार बना है. इससे देश के विकास को गति मिलेगी और साथ में कई ऐसे राज्य जो विकास की दृष्टि से पिछड़े थे उसको भी विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे. देश के गरीब, दबे, कुचले सबको ऊपर उठाने में एक कर प्रणाली बहुत बहुत सहायक करेगी. आज एक देश एक कर का स्वप्न साकार हुआ है. मैं आशा करता हूं कि देश की जनता इन नई कर प्रणाली से सहजता भी अनुभव करेगी और इस सरल कर प्रणाली का स्वागत भी करेगी.